मानती हूँ, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही। मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है। मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। सो कैन आई गेट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? नाउ दे आर इन गवर्नमेंट विद देम। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नॉट अ नेचुरली करप्ट पार्टी, इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए। और हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ डेमोक्रेसी, आप जीते हमारे हम मानते। फिर केजरीवाल जी को एक रूल और इनको एक रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी, ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर सर। एलिगेशन कांड भी बन गए सर, गठबंधन की बात, टू वेरी स्मॉल पॉइंट, उन्होंने गठबंधन की बात की, आई नो प्रॉब्लम, लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है। इनको बहुत शौक है दो चीजों को बोलने का, एक बड़े संक्षेप में कह दूंगी और बड़ी विनम्रता से, सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ, चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर डेमोक्रेसी सर। इन्हें कहते परिवारवाद, मानती हूँ मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही, मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है। लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जी के वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉन्रेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार, वो सब मेरिट और हम सब परिवार, ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है। आई एम जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एंड देन अनदर थिंग, सिलेक्टिव एमनीसिया होता है सर, और इनके यहाँ एमएलए एमपी मंत्री सारे पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी वहां चल जाती है, हम करें तो प्रॉब्लम और नहीं। और अनदर थिंग व्हाट दे सेड, दिस नीड्स टू कम ऑन रिकॉर्ड सर, वेरी स्मॉल पॉइंट विच माई फ्रेंड दयानिधि मारन सेड, एनसीपी, इन्होंने भी कहा कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी, ठीक है उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। सो कैन आई गेट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? नाउ दे आर इन गवर्नमेंट विद देम, टेक देयर वर्ड बैक। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इट इज नॉट अ नेचुरली करप्ट पार्टी, इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए। एंड आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट इट डजंट वर्क, सो वेन वी आर अगेंस्ट यू वी आर बैड, ज्वाइन यू वी आर गुड, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर एस टी हसन जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, आई स्टैंड हियर अपोजिंग दिस, दे आर इंटिमिडेटिंग पीपल, दिस विल नॉट हैपन, दिस कंट्री हैज ऑलवेज फॉट अगेंस्ट इंटिमिडेशन, वी विल फाइट इट एंड वी विल विन दिस गेम। थैंक यू सर।